नमस्कार दोस्तों, स्टडी विद स्वप्निल में आप सभी का स्वागत है। आशा करता हूं आप सभी लोग स्वस्थ और खुशहाल होंगे। दोस्तों, आज हम लोग जो वायरस का जो सेकंड पार्ट जो बचा हुआ है, रिमेन पार्ट, उसे आज हम लोग पढ़ेंगे। और इसमें हम लोग पढ़ेंगे स्ट्रक्चर, क्लासिफिकेशन, रिप्रोडक्शन, मल्टीप्लीकेशन, रेप्लीकेशन। मतलब इनके हमें संरचना के बारे में इसकी पढ़ाई करनी है कि किस तरीके से वायरस की एक संरचना होती है, प्लस इसका जो वर्गीकरण है उसे भी हमें पढ़ना है। ठीक, रिप्रोडक्शन और मल्टीप्लीकेशन रेप्लीकेशन, ये दोनों अगर हम कहें एक साथ ही है, मतलब एक इवेंट है, तो यहाँ पे कहा जाए कि अगर प्रजनन भी हम लोग देखें तो उसको भी पढ़ना पड़ेगा। वजह क्या है कि अगर आप 2005 से लेकर 2005, 10, 13 इनमें जब आप प्रीवियस ईयर के पेपर देखते हैं तो वायरस के बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन इन चार टॉपिक से आए हुए हैं। तो यानी ये हमारे लिए उतने ही इंपॉर्टेंट है जैसा कि हमारा पहला पार्ट है। प्लीज पहला पार्ट वायरस का जरूर देखिए अगर आप ये वायरस 2 से देख रहे हैं, पार्ट 2 से, क्योंकि वहां पर भी श्योर एंड शॉर्ट क्वेश्चंस जो हैं अगर वायरस से आने होंगे तो इन दो वीडियो में से 99% क्वेश्चंस जो हैं वो पूरे के पूरे आएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग पहले अपने टॉपिक से, वो है स्ट्रक्चर यानी संरचना से। तो यहाँ पे हमारा स्ट्रक्चर है साथियों वायरस का या एक विषाणु का। हम यहाँ पे दो एग्जाम्पल लिए हैं, एक है बैक्टीरियोफेज का और एक इन्फ्लुएंजा वायरस का हमारे पास स्ट्रक्चर है। जबकि इन्फ्लुएंजा वायरस क्या है, एक स्फेरिकल शेप है और यहाँ पे हमारा हेलिकल विथ एक सिस्टम के साथ बैक्टीरियोफेज होता है। बैक्टीरियोफेज का हम लोगों ने पता ही किया था कि ये क्या है, ये जीवाणु भोजी होते हैं, मतलब ये बैक्टीरिया के अंदर सर्वाइव करते हैं या बैक्टीरिया को एक तरह से कहा जाए कि खाते हैं। ठीक, चलिए तो यहाँ पे हम लोग स्ट्रक्चर को पहले देखें। तो आउटर मोस्ट स्ट्रक्चर जो है यानी सबसे बाहरी जो स्ट्रक्चर रहेगा साथियों, वो प्रोटीन कोट का बना हुआ होता है, क्योंकि वायरस के पास दो ही चीज होती है, या तो एक प्रोटीन स्ट्रक्चर होगा, प्रोटीन संरचना, और दूसरा उसका न्यूक्लिक अम्ल होगा या न्यूक्लिक एसिड, डीएनए या आरएनए, याद रखिएगा। ठीक, तो प्रोटीन कोट है, ओके, प्रोटीन कोट यहाँ पे भी, और दूसरा जो मेन मेजर पार्ट है वो है इसका न्यूक्लिक एसिड, या आप इसको कह सकते हैं इसका न्यूक्लिक अम्ल। कौन सा हो सकता है, वो या तो हो सकता है डीएनए या हो सकता है आरएनए, उसमें भी सिंगल स्टैंडर्ड और डबल स्टैंडर्ड, मतलब एक सूत्री या द्विसूत्री वाले। चलिए ठीक, यानी न्यूक्लिक एसिड के बारे में बात हो गई। बैक्टीरियोफेज के स्ट्रक्चर को थोड़ा सा देख लें, क्योंकि ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड बन जाता है, क्योंकि यहाँ पर एक शीट पाई जाती है, ठीक, और इसमें लगे हुए होते हैं हुक्स या टेल फाइबर्स। एक्चुअली ये टेल फाइबर क्या होते हैं, ये बैक्टीरिया पर अटैचमेंट के लिए, इन्हीं के थ्रू ये एक तरीके से कहा जाए उनपे अटैच करता है और फर्दर अपना जो न्यूक्लिक अम्ल है वो वहां पे अंदर डाल के बैक्टीरिया के अंदर पहुंचा के अपना मल्टीप्लीकेशन करता है। ठीक, चलिए यहाँ पे अगर हम लोग देखें, इन्फ्लुएंजा वायरस एक बैक्टीरियोफेज से अधिक और बहुत ही पिक्यूलियर और बहुत ही विशेष स्ट्रक्चर रखता है, जिसको हम लोग कहते हैं इनवेलप। ठीक, यानी ये ऐसे वायरस हैं जो कि इनवेलप्ड हैं, इनको कहा जाता है इनवेलप्ड वायरस। ठीक, एक होते हैं नॉन इनवेलप्ड और दूसरे होते हैं इनवेलप्ड। ठीक, इनवेलप्ड इनको थोड़ी और मजबूती प्रदान करता है, जिसकी वजह से ये और मजबूत हो जाते हैं, इनके प्रति जो भी तत्व आएंगे जो इन्हें नुकसान पहुंचाएंगे उनके प्रति काफी रजिस्ट करते हैं, एक तरह से प्रतिरोध उत्पन्न करते हैं। ठीक, तो याद रखिएगा कि इनवेलप्ड वायरस है। ठीक, प्लस यहाँ पे अगर हम लोग जाने साथियों कि प्रोटीन कोट ये किसका बना होता है, प्रोटीन कोट को हम लोग कहते हैं कैप्सिड। ठीक, ओके, तो आप कैप्सिड भी सुनेंगे, इस तरह से क्वेश्चन आया है 2013 में कि प्रोटीन कोट को जो वायरस को क्या कहा जाता है, तो प्रोटीन कोट को कहा जाता है कैप्सिड। और यह कैप्सिड जो होता है वो छोटे छोटे सब यूनिट से बना हुआ होता है, यानी छोटे छोटे इकाइयों से बना हुआ होता है, इसको हम लोग कहते हैं कैप्सोमर। ठीक, तो याद रखिएगा कि ढेर सारे कैप्सोमर मिलकर, ठीक, क्या बनाते हैं, कैप्सिड। और कैप्सिड को हम लोग क्या कहते हैं, प्रोटीन कोट या प्रोटीन का खोल या बाहरी कवच या बाहरी खोल। ठीक है, तो ये बात ध्यान रखिएगा। ठीक, तो इस तरीके से हमारा स्ट्रक्चर में किस तरह दिखता है कि एक प्रोटीन कोट है और दूसरा है डीएनए या आरएनए। ठीक, चलिए नेक्स्ट जो स्ट्रक्चर है हमारा आता है क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन साथियों या वर्गीकरण जो होगा वो तीन तरीके से हो सकता है, या तो इनके साइज के हिसाब से बता कर सकते हैं कि कितने साइज के हैं, शेप, ठीक, इनका शेप किस तरीके से होगा, और जेनेटिक मटेरियल जो कि न्यूक्लिक अम्ल डीएनए है कि आरएनए है, इन सभी में उनके क्लासिफिकेशन के तहत बात की जा सकती है। तो सबसे पहले अगर हम लोग शुरू करते हैं तो वो शुरू करते हैं साइज से। साइज को अगर हम देखें साथियों
तो साइज वेरी करती है 5 से 300 नैनोमीटर, यानी नैनोमीटर मतलब 10⁻⁹ मीटर। ये बेहद छोटे हैं, इसी वजह से इनको अल्ट्रा माइक्रोस्कोपिक भी कहा जाता है। हम लोगों ने पिछली क्लास में बात भी की थी कि इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज अल्ट्रा माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर। और इनके लिए कौन सी चीज देखने के लिए होती है? इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की जरूरत पड़ती है, हम लोगों ने बात की थी। और ये दोनों जो हैं सवाल, मतलब ये और इनका रेंज, ये दोनों ही आए हुए हैं, तो यानी बेहद इंपॉर्टेंट मिल जाते हैं, यानी यहाँ इसको मैं इंपॉर्टेंट कर सकता हूँ। ठीक, कुछ जो एक थोड़ा सा एक एक्स्ट्रा पॉइंट है वो है कि कुछ जाइंट वायरस जैसे होते हैं, जैसे मिमी वायरस और पैंडोरा वायरस, ये थोड़े बड़े होते हैं, जो कि हैं करीबन 0.5 माइक्रोमीटर के। ठीक, तो चलिए कुछ स्ट्रक्चर्स को अगर हम लोग देख लें, जैसे कि आप देख रहे हैं कि पेपरविरिडी है, एडिनोविरिडी और हर्पीज विरिडी, यानी हर्पीज वायरस है, हर्पीज विरिडी लिखा हुआ है साथियों, तो ये फैमिली है इसकी, याद रखिएगा। ठीक, और ये हर्पीज वायरस का एग्जाम्पल है। ठीक, तो हर्पीज वायरस हो गया, ये एडिनो वायरस का हो गया, पेपरवर्म वायरस का हो गया। ठीक, तो इनमें अगर आप देखें तो ये करीबन 40 से 57 नैनोमीटर के हैं, 70 से 90 नैनोमीटर का आकार है इनका, और 150 से 200 नैनोमीटर के आकार के हर्पीज वायरस थोड़े बड़े नजर आते हैं। ठीक, दूसरा पॉइंट यहाँ जानने का लायक है कि जैसे पेपरविरिडी में कौन सा पाया जाता है, तो डबल स्ट्रैंडेड डीएनए, यानी द्विसूत्री। दूसरा क्या है, एडिनोविरिडी में, इनमें भी डबल स्ट्रैंडेड और हर्पीज में भी डबल स्ट्रैंडेड। ठीक, तो ये थोड़ा सा याद रखने लायक है कि डीएनए का सूत्र कौन सा है, द्विसूत्रीय है कि एकल सूत्रीय है। ठीक, तो ये हमारे एग्जांपल्स हुए जिनके थ्रू हम पता कर सकते हैं कि किस तरीके से वायरस का साइज है। ठीक, याद रखिएगा 5 to 300 नैनोमीटर का एक अप्रोक्सीमेट वैल्यू है जिसके अंतर्गत में इनके साइज पाए जाते हैं। चलिए नेक्स्ट जो हमारा शेप है उसको देखते हैं। ठीक साथियों, शेप जो होगा वायरस का वो हेलिकल हो सकता है, ठीक, क्यूबिकल और पॉलीहेड्रल, और कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर हो सकता है। ठीक, जिस तरीके से एग्जाम्पल में अगर हम लोग देखें तो हेलिकल, हेलिकल मतलब कुछ हेलिक्स के आकार में, कुछ इस तरीके से, ठीक, जैसे स्प्रिंग के तरीके का दिखता है कुछ इस तरीके से, और वो है हेलिकल वायरस का एग्जाम्पल। ठीक, आप देख रहे हैं ये सभी जो छोटे छोटे हैं साथियों, याद रखिएगा ये प्रोटीन कोट है और ये आप इसके हैं कैप्सोमर्स। ठीक, और ये पूरा का पूरा कहलाएगा आपका कैप्सिड। ठीक, तो कैप्सोमर बड़ा आकार कैप्सिड, और जो होगा वो है न्यूक्लिक एसिड। ठीक, तो ये है हेलिकल का आकार का, ठीक, हेलिकल वायरस का, और पॉलीहेड्रल मतलब कई हेड हैं इसके। ठीक है, तो पॉलीहेड्रल शेप, और याद रखिए पॉलीहेड्रल शेप में इनवेलप भी मिलेगा आपको, यानी कहा जाए कि एक एक्स्ट्रा जो है कवरिंग भी मिलेगी इनमें। ठीक, और थर्ड जो हमारा है कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर, मतलब जैसे एग्जाम्पल हम लोगों ने एक बैक्टीरियोफेज का किया था, बैक्टीरियोफेज में थोड़े एक्स्ट्रा फीचर्स आ जाते हैं जो कि सिंपल आपको नजर आता है बाकी सब में, बैक्टीरियोफेज में थोड़े से एक्स्ट्रा फीचर आ जाते हैं जो कि है शीथ का और ये टेल फाइबर का। ठीक, ये टेल फाइबर ही बैक्टीरिया पर अटैचमेंट करता है और इसी शीथ पे एक एरिया बनता है जहां से न्यूक्लिक एसिड इसके अंदर जाता है और पूरी की पूरी लाइफ एक्टिविटी होती है जो कि हम लोग आगे पढ़ेंगे। तो यानी हम लोगों ने साथियों यहाँ पे देखा कि शेप जो है वायरस का वो या तो हेलिकल हो सकता है और क्यूबिक या पॉलीहेड्रल, और कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर्स मिल सकते हैं। ठीक, तो कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर में आपको बैक्टीरियोफेज का एग्जांपल पूछा गया है, याद रखिएगा 2010 का ये क्वेश्चन है, तो इसे थोड़ा सा ध्यान में रखेंगे। ठीक, चलिए अब आते हैं हम लोग क्लासिफिकेशन ऑफ वायरस में जो कि साइंटिस्ट ने दिया है, उनमें है होम्स। ठीक, इन मैंने होम्स का इसलिए लिया है बिकॉज ये जो जितने भी टर्म हैं लाइक जूफेजनी, फाइटोफेजनी, ये क्वेश्चन में इसी तरीके से पूछे गए हैं कि वो क्या कहते हैं। ठीक, तो होम साहब के हिसाब से जो उन्होंने 1948 में दिया था, ठीक, ऐसे वायरस जो कि एनिमल्स को यानी जंतुओं को ग्रसित करने वाली है, जंतुओं को नुकसान पहुंचाने वाली, यानी कहा जाए कि इनका होस्ट क्या होगा वायरस का, जंतु होगा या कोई एनिमल होगा, ऐसे वायरस कहलाएंगे एनिमल वायरस, और इनको साइंटिफिकली जो हम लोग कहते हैं बायोलॉजिकल फील्ड में वो है जूफेजनी। जू मीन्स जंतु से, और फेजनी मतलब फैगस, मतलब जहां पे सरवाइव करें, जहां पे उनकी कोशिका को नुकसान पहुंचाएं और अपना गुणन करें। इसी तरीके से प्लांट वायरस, प्लांट मतलब कोई पौधे पे सरवाइव करने वाला, ठीक, वो वायरस कहलाएगा फाइटोफेजनी। फाइटोमिस होता है पौधा और फेजनी जो है वही ग्रसित करने वाला तरीका। ठीक, और तीसरे जो होते हैं वो बैक्टीरिया को नुकसान पहुंचाते हैं जिनको हम लोग फेजनी के नाम से जानते हैं। तो याद रखिएगा जू फेजनी किसके लिए है, जंतु के लिए है, ठीक, और इसके आपको पूछे जा सकते हैं अदर फीचर भी, और फाइटोफेजनी मतलब प्लांट के लिए, और फेजनी जो है वो बैक्टीरियल वायरस के लिए। ठीक,
अब चलिए इसके बारे में अगर हम लोग देख ले तो जो जू फेजनी है साथियों, ठीक, ये जो हमारा जू फेजनी है वो इन्फेक्ट करेगा कोई भी जीव को, चाहे आप मैन ले लीजिए, फाउल, मुर्गा, पिजन एंड अदर ऑर्थोपोड्स इंसेक्ट्स एक्सेट्रा। जैसे कि बहुत एक अच्छा एग्जाम्पल है हमारा कोरोना वायरस, ये सभी को नुकसान पहुंचाता है। स्वाइन फ्लू आपने सुना होगा, बर्ड फ्लू आपने सुना होगा। नॉर्मली जो फ्लू है वो फ्लू किसी भी एनिमल को हो जाते हैं, ठीक। आपने सार्स, मर्स, इन सब के बारे में, साउथ ईस्ट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम, मिडिल ईस्ट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम, ये सॉरी, इस तरीके से जो आप है वो उस तरीके पूरे कई जो वायरस हैं उनके बारे में आपने देखे होंगे, जो कि जंतुओं को नुकसान पहुंचाते हैं। ऐसे वायरस को हम लोग कहते हैं जूफेजनी, ठीक। चलिए, और इनके पास होगा क्या, ये बहुत जरूरी है जानने के लिए, क्योंकि वायरस के पास एक ही दो टर्म होते हैं, वो है डीएनए या आरएनए इनके पास रहेगा, ठीक। ज्यादातर ये लोग हैं वो डीएनए वाले ही होते हैं, याद रखिएगा, ठीक। प्लांट वायरस जो है वो इन्फेक्ट करेंगे, जैसे लाइक एंजियोस्पर्म की अगर हम बात करें, इसमें शुगर केन, रेड रॉट ऑफ शुगर केन, इस तरीके से, ठीक। टोबैको डिजीज को टोबैको मोजाइक वायरस आपने सुना होगा, सबसे पहले इसी की ही खोज की गई थी, ठीक। तो टोबैको मोजाइक वायरस, ठीक, इनको जो नुकसान पहुंचाएंगे उनको हम लोग किसके अंतर्गत लाएंगे, फाइटोफेजिनी के, और इनके पास होता है आरएनए, ठीक। तो याद रखिएगा जो न्यूक्लिक एसिड है, या कहा जाए कि जेनेटिक मटीरियल है, एक तरीके से हम कहें जेनेटिक मटीरियल, अनुवांशिक जो पदार्थ है वो इनका क्या है, आरएनए, और इनका डीएनए या आरएनए दोनों हो सकता है, ठीक। बैक्टीरियल वायरस का जो है वो बैक्टीरियोफेज को नुकसान पहुंचाते हैं, जिन्हें जीवाणु भक्षी भी कहते हैं, और इनके पास डीएनए स्ट्रक्चर एज अ जेनेटिक मटीरियल होता है, ठीक। तो क्लासिफिकेशन ऑफ वायरस में हम लोगों ने ये दो तीनों टर्म जाने, खासकर हमारे लिए जूफेजनी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इससे अभी हाल फिलहाल में बहुत ये क्वेश्चंस आए हैं, जिस लाइक कोरोना वायरस, अदर फ्लू वायरस पे भी, ठीक। तो कहीं ना कहीं इसको ज्यादा पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट रखा जाएगा एज कंपेरिजन टू फाइटोफेजनी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, हमारा है कुछ महत्वपूर्ण टर्म जो कि इसी ही क्लासिफिकेशन के तहत आते रहते हैं, वो जानना है, क्योंकि ईच एंड एवरी पॉइंट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एग्जाम परस्पेक्टिव, ठीक। तो यहाँ पे अगर हम देखें आर्बो वायरस, आर्बो यानी यहाँ पे आर्बो से वर्ड याद रखिएगा ऑर्थोपोड, ठीक। ऑर्थोपोड द्वारा जनित जो होगा वो रोग जो होगा, वायरस जो होंगे वो कहलाएंगे आर्बो वायरस, जैसे कि टोगा वायरस या आर्बो वायरस खुद ही है, ठीक। रेस्पिरेटरी वायरस यानी श्वसन तंत्र को जो प्रभावित करेंगे, श्वसन तंत्र में आप फ्लू वायरसेस को ले सकते हैं पूरे पूरे, जैसे कि एग्जाम्पल ऑर्थोमिक्सो वायरस, राइनो वायरस, कोरोना वायरस तो है ही, एडिनो वायरस, ये सभी याद रखिएगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, रेस्पिरेटरी वायरस के लिए काफी पूछा जाएगा, ठीक। अगर ये विरडी, ये डी ए ई लगा देते हैं तो याद रखिएगा ये फैमिली के बारे में बात करते हैं, ठीक। चलिए, एंट्रिक, जब जैसे हम लोग एंट्रिक, एंट्रॉन जब वर्ड आता है तो समझ लीजिए ये आंत संबंधित, यानी आंतों को नुकसान पहुंचाने के लिए, या आंत में सर्वाइव करेंगे वहां पे जो नुकसान पहुंचाएंगे, ठीक। वो कौन से हैं, वो पाइकोरोना वायरस है या हेपेटाइटिस वायरस, जिससे हमें क्या होता है, जॉन्डिस, आपने सुना होगा साथियों जॉन्डिस, ठीक है, ये बहुत ही भयानक बीमारी है, ठीक, और पेट संबंधित है याद रखिएगा। तो यानी अगर कहा जाए कि हेपेटाइटिस क्या है, तो आप बीमारी को, ये नीट का भी सवाल है, डाइजेस्टिव सिस्टम से याद रखिएगा, डाइजेस्टिव सिस्टम वाला जो बीमारी है वो है ये, इस तरह क्या है, जॉन्डिस, ठीक। चलिए, अब आता है हमारा रेट्रो वायरस, ये बहुत इंपॉर्टेंट, क्योंकि ये कई कॉम्पिटिशन में पूछा भी गया है, रेट्रो वायरस में, जिसमें एच आई वी वायरस, जिसको ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस कहते हैं, जो कि है हमारा कॉमनली कहलाता है एड्स वायरस, तो ये रेट्रो वायरस को भी आप पॉइंट में रखे रहिएगा। तो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में हमारे आर्बो वायरस हो गए, रेस्पिरेटरी वायरस, एंट्रिक वायरस और रेट्रो वायरस, खासकर हमारे रेस्पिरेटरी, एंट्रिक और आर्बो जो है यही रेट्रो वायरस हमारे इंपॉर्टेंट है। चलिए, नेक्स्ट है जो डीएनए युक्त वायरस, अब कुछ हम लोग डीएनए और आरएनए युक्त वायरस के बारे में भी जान लें, क्योंकि ये सीधे के सीधे डायरेक्ट क्वेश्चंस में आ जाते हैं, तो हमारे लिए बेहद जरूरी है जानना कि डीएनए कौन रखेगा, कौन सिर्फ आरएनए ही रखता है, ठीक। चलिए, तो डीएनए युक्त वायरस में अगर हम लोग देखें तो पहला है हमारा कोलीफेज वायरस। कोलीफेज वायरस को हम लोग 5x174 वायरस के नाम से भी जानते हैं, ठीक, और ये पहला ऐसा है कि जो कि हमारा है सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए है, याद रखिएगा ये कौन सा वायरस है, ऐसा वायरस जिसके पास सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए होता है, ये बेहद ही इंपॉर्टेंट है, 2013 का ये भी एक सवाल है, याद रखिएगा कोलियोफेज वायरस के पास होता है, या कोलियोफेज वायरस धारण करते हैं एक सूत्री डीएनए, सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए, इस तरीके से, ठीक, याद रखिएगा सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए है, ठीक।
ये ऐसा है जिसका पहला जीनोम सीक्वेंसिंग की गई थी। ये ऐसा डीएनए है जिसका जीनोम सीक्वेंसिंग पूरी तरीके से कर लिया गया था। तो ये भी याद रखिएगा, एक एक्स्ट्रा फीचर है कि ऐसा डीएनए है जिसकी जीनोम सीक्वेंसिंग प्रॉपरली कर दी गई थी। और एक थे कौन, ये हैं साइंटिस्ट फ्रेड सैंगर और उनकी टीम है 1977 में इन्होंने ढूंढा था, फ्रेड सैंगर। ठीक, तो याद रखिएगा। ठीक, तो कोलियोफेज या 5 × 7 174 सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए है। ठीक, एक कुंडलित डीएनए है। और यह है क्या, यह भी याद रखिएगा, यह है बैक्टीरियोफेज, यानी कहा जाए जीवाणु भोजी है। ये थोड़ा सा दिमाग में आप लोग याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट जो हमारा एग्जाम्पल है वो है हर्पीज वायरस, जो कि डबल स्टैंडर्ड डीएनए रखता है। इसी तरीके से पॉक्स वायरस हो या साइनोफेजी हो, साइनोफेजी याद रखिएगा, ये ब्लू ग्रीन एल्गी, नील हरित शैवाल को जो नुकसान पहुंचाए उनको कहते हैं साइनोफेजी। ठीक, तो साइनोफेजी हो गई। और हमारा एडीनो वायरस, ये सभी के सभी क्या हैं, डबल स्टैंडर्ड वायरस रखते हैं। सभी के सभी क्या हैं, डबल स्टैंडर्ड वायरस को धारण करते हैं। चलिए, यानी हमारे लिए ये 5 बहुत ही इंपॉर्टेंट वायरस हो गए। चलिए नेक्स्ट है हमारा आरएनए युक्त वायरस, यानी ऐसे वो वायरस जो कि आरएनए को धारण करें। उनमें सबसे बेहतरीन जो एग्जाम्पल है वो है टोबैको मोजाइक वायरस। ठीक, टोबैको मोजाइक वायरस जो तंबाकू के पौधे में आपने देखा होगा कि पत्तियों में एक सर्पिले आकार की मोजाइक पैटर्न, सॉरी मोजाइक पैटर्न जो होता है, उस तरीके के आकार के हो जाने की वजह से पूरी की पूरी जो तंबाकू की पत्ती है वो खराब हो जाती है। और तंबाकू की पत्ती खराब हो गई यानी समझ लिए आपका प्रोडक्शन खराब हो गया। उसको नुकसान पहुंचाने वाले जो वायरस है उनको कहते हैं टोबैको मोजेक वायरस। इनके पास होता है सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए यानी SSRNA। ठीक, ये याद रखिएगा। इन्फ्लुएंजा वायरस भी सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए का है। पोलियो वायरस, ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक, ये जो आपका जो UPPCS है इनमें भी बहुत पूछा गया है, UP SSSC में भी वही बहुत बार आया है कि इन वायरस में वो रहता है। तो पोलियो वायरस जो है वो सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए का है। ट्यूमर वायरस, रियो वायरस एंड राइस डॉफ वायरस, याद रखिएगा UPPCS का आने वाला जो एग्रीकल्चर का साथी हो, अभी एक आने वाली एग्रीकल्चर की भी अपने जून में पेपर है, एग्रीकल्चर वाले में ये आपका क्वेश्चन पूछा गया है। और राइस डॉफ वायरस भी याद रखिएगा, इन दोनों लोगों के पास, ट्यूमर वायरस, रियो एंड राइस डॉफ वायरस के पास डबल स्टैंडर्ड आरएनए होता है, यानी द्विसूत्री आरएनए होता है। तो यानी हमारे लिए बिल्कुल ही पिक्यूलियर है, यानी बेहद इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन के लिए, क्योंकि सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए ज्यादातर सभी को पता है कि आरएनए सिंगल स्टैंडर्ड ही रहेगा, बट यहाँ पे डबल स्टैंडर्ड आरएनए होना इसको पिक्यूलियरिटी देता है, एक विशेष करेक्टर देता है। ठीक, चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं कि यहाँ पे साथियों हम लोग पढ़ेंगे जो मेन हमारे पास टोबैको मोज़ेक वायरस और बैक्टीरियोफेज, क्योंकि ये सिलेबस में कहीं ना कहीं दिया भी गया है जो बेहद इंपॉर्टेंट है, और कैसे क्वेश्चन इसका बन जाएगा TGT PGT बायोलॉजी के लिए उसे हम लोग देखते हैं। ठीक, तो टोबैको मोज़ेक वायरस या तंबाकू में जो मोज़ेक पैटर्न क्रिएट करते हैं ऐसे वायरस को हम लोग टोबैको मोज़ेक वायरस कहते हैं। बेहद ही खतरनाक बीमारी है तंबाकू के उत्पाद के लिए। ठीक, इसमें आपको पता है आरएनए एज अ जेनेटिक मटेरियल है। ठीक, और मोस्ट वाइडली स्टडीड वायरस है, यानी सबसे ज्यादा अध्ययन किया गया विषाणु। ठीक, 2013 का ये भी एक सवाल है कि मोस्ट वाइडली स्टडीड वायरस इज, या सबसे अधिक अध्ययन किया गया विषाणु इनमें से है TMV 5 × 174। ठीक, आपका बैक्टीरियोफेज इस तरीके से करके दे दिए हैं। तो याद रखिएगा कि TMV जो हमारा है वो सबसे अधिक पढ़ा जाने वाले, यानी अध्ययन किया गया है, इस पर काफी रिसर्च की गई है, और ये है हमारा TMV। ठीक, किस तरीके के होते हैं, रॉड शेप होते हैं। WM स्टैनले ने इसका क्रिस्टलाइजेशन किया था। तो ये भी एक सवाल बनता है कि सबसे पहले क्रिस्टलाइजेशन किस विषाणु का किया गया, तो याद रखिए इट इज TMV। ठीक ठीक है, किया जिसके लिए इन्हें नोबेल प्राइज भी मिला है। ठीक, तो ये भी हमारा क्वेश्चन बन सकता है कि WM स्टैनले को नोबेल प्राइज मिला किसकी वजह से, तो फॉर द क्रिस्टलाइजेशन ऑफ TMV। ठीक, याद रखिएगा बाहरी कोट जो है आवरण वो प्रोटीन कोट का ही बना होता है, जिसे कैप्सिड या सेल कहते हैं, बस सेल का अर्थ है खोल। और यह जो है वो 2130 एक समान कैप्सोमर से बना हुआ है, यानी साथियों कहें कि एक कोई घर जैसे है। ठीक, घर में छोटे छोटे ईंटें मिलकर एक पूरा का पूरा मकान बनता है, वो जो ईंट है आप उसको एक सिंगल यूनिट कह सकते हैं, इकाई, कि बिना इसके इस घर का कोई वजूद नहीं है,
इसी तरीके से कैप्सोमर्स होते हैं, ठीक, यानी इकाई। अगर कैप्सिड की इकाई को आप कहोगे तो आप कहोगे कैप्सोमर्स। ढेर सारे कैप्सोमर एक पर्टिकुलर अरेंजमेंट करके एक स्ट्रक्चर क्रिएट कराते हैं, बाहरी स्ट्रक्चर, जिसको आप कहते हो कैप्सिड। और ये प्रोटीन का बना होता है, इसीलिए इसको कहते हैं प्रोटीन का, इसकी प्रकृति होती है, ठीक। और इससे एक हेलिकल आकार मिलता है, ठीक है, याद रखिएगा, एक हेलिक्स का आकार मिलता है इसे, ठीक है। टीएमवी में सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए होता है जो पूरे भाग में फैला रहता है, और इसका मेन जो न्यूक्लियोटाइड है, याद रखिएगा साथियों, करीबन 7300 के आसपास इसमें न्यूक्लियोटाइड प्रेजेंट रहते हैं। तो यानी हमारे लिए तीनों, ये सारे के सारे जो चारों पॉइंट हैं, ये बेहद ही इंपॉर्टेंट बनते हैं टीएमवी के लिए, और पक्का कहीं ना कहीं आपको क्वेश्चन इनके मिलेंगे मिलेंगे, ये श्योर है। चलिए नेक्स्ट जो हमारा है वो है बैक्टीरियोफेज। बैक्टीरियोफेज मतलब जीवाणु भोजी, ये ऐसे हैं जो जीवाणु को खाते हैं। और बहुत अच्छी चीज है कि ये जेनेटिक्स में हमारे बहुत काम करते हैं, खासकर इसमें बायोटेक्नोलॉजी में। अगर बायोटेक्नोलॉजी वाले हमारे साथी लोग जानते होंगे कि कितना इंपॉर्टेंट हमारे लिए बैक्टीरियोफेज, ठीक है। तो एफ डब्ल्यू थॉट एंड फेलिक्स डे हेरेल ने सबसे पहले इसमें बैक्टीरिया को भक्षण करने वाले वायरस की खोज की थी, ठीक। तो एक इकोलाई में ये पाए जाते हैं, आपको मिलेंगे। और इनका आकार कैसा होता है, वो है टैडपोल के आकार का। टैडपोल मतलब मेंढक के जो बच्चे होते हैं वो, ठीक है, जो पानी में आपने देखे होंगे कि मछली नुमा रहते हैं, उनको टैडपोल कहते हैं। तो यानी अगर पूछा जाए कि बैक्टीरियोफेज का आकार कैसा है, तो आप तुरंत ही बताएंगे टैडपोल के जैसा, ठीक। और इनके पास होता है डबल स्टैंडर्ड डीएनए मॉलिक्यूल, यानी द्विसूत्रीय डीएनए मॉलिक्यूल, ठीक है, या डीएनए स्ट्रैंड प्रेजेंट रहते हैं, ठीक। बाकी तो हम लोगों ने बात ही कर लिया था कि इनमें टेल हुक्स इस तरीके का प्रेजेंट रहता है। चलिए अब आते हैं साथियों रिप्रोडक्शन में, क्योंकि जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट था वो रिप्रोडक्शन। किसी भी जीव के लिए, खासकर हम वायरस को हम पर्टिकुलरली जीव कह नहीं पाते, बिकॉज जब तक इसे कोई एक होस्ट नहीं मिलता, होस्ट मतलब एक ऐसा जीव जिस पर ये हार्बर करे, मतलब जिस पर ये रहे और वहां पे अपना गुणन करे, मतलब जो एक रिप्रोडक्टिव फेज है, रिप्रोडक्शन, वो जरूर शो करे। होस्ट जब भी कभी ये वर्ड आता है तो वहां पर रिप्रोडक्शन फेज जरूर होता है साथियों। तो होस्ट पे सर्वाइव करे, वहां पे अपना गुणन करे, और जब वो निकले तो वहां पे उसको नुकसान भी हो, ठीक। ये चीज होता है पैरासाइट के लिए। तो ये ऐसे पैरासाइट है साथियों जो बाहरी अवस्था में आपको मिलेंगे, अगर सेल के बाहर, तो बिल्कुल ही निर्जीव अवस्था मिलते हैं, नॉन लिविंग। और जैसे ही इन्हें एक लाइव सेल मिल जाता है, वहां पे रिप्रोडक्शन करते हैं। तो वो करने का क्या तरीका है, उसे देखना है। वो पांच बेसिक स्टेप्स हैं, उनको एक लाइन से याद रखिएगा। ये लाइन से याद करने के लिए आपके लिए किसी भी एग्जाम में बेहद ही आसान हो जाता है। जिसमें है सबसे पहले अटैचमेंट, यानी जब तक कोई एक बैक्टीरिया, यानी अगर हम कहें कि एक अगर कोई बैक्टीरिया है, ठीक, बैक्टीरिया में अगर हम इसका जेनेटिक मटीरियल मान लीजिए, अगर ये जिस तरीके से, और यहाँ पे ये रहा हमारा ये वायरस, ठीक। तो ये वायरस क्या होगा, पहले तो अटैचमेंट दिखाएगा, ठीक है, ठीक। ये अटैचमेंट होगा मतलब सेल मेम्ब्रेन पर, कहा जाए कि सेल के आउटर मेम्ब्रेन पर या सेल वॉल पे आके रुकना या अटैच होना। वो किसी तरीके से एडहेसन करेगा, मतलब चिपकेगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है, होस्ट सेल में सबसे पहले वायरस खुद को अटैच करता है, और इसके लिए क्या है, विशेष प्रकार के प्रोटीन उत्तरदायी होते हैं जिन्हें वायरस अटैचमेंट पार्टिकल्स या VAS कहते हैं, यानी वायरस अटैचमेंट पार्टिकल्स, याद रखिएगा वैप्स, इनके थ्रू यह अटैच होता है। अब अटैच होने के बाद आपको पता है कि जो बाहरी खोल है वो अंदर नहीं जाता किसी भी जीवित कोशिका के, तो जाएगा क्या, ऑब्वियसली है वो न्यूक्लिक एसिड। यानी नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, ये कुछ भेदन करेगा और कुछ ऐसा सेक्शन करेगा जिससे इससे अंदर इसके जेनेटिक मटेरियल जा सके, ये इसका और ये रहा अंदर, ठीक। ये एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल जेनेटिक मटेरियल है साथियों, मान लीजिए किसी बैक्टीरिया में अगर हो तो, ठीक। तो ये रहा, अब भेदन किया, पेनिट्रेशन किया, तो विषाणु अपने न्यूक्लिक एसिड डीएनए आरएनए को विशेष मार्ग द्वारा कोशिका में प्रेषित कर देते हैं, जहां पर न्यूक्लिक एसिड क्या करेगा, ऑब्वियसली यहां पर एक फायदा होता है, कोई भी लाइव सेल होगी साथियों तो उनके पास वो फैक्टर्स या कहा जाए वो एंजाइम्स होंगे जिनके थ्रू वो अपने जो कहा जाए जेनेटिक मटेरियल है उनका गुणन कर सकते हैं, ठीक, जस्ट लाइक पॉलीमरेज। तो इनके पास भाई कुछ रहता तो है नहीं, सिर्फ एक कैप्सिड होती है,
और जेनेटिक मटेरियल होता है। यही पॉलीमरेज को चाहने के लिए, मतलब ये जो एंजाइम्स होता है जिनके थ्रू ये गुणन कर सके, वही उनको मिलता नहीं। इसी वजह से एक होस्ट को ढूंढते हैं, और जैसे ही इन्हें वो एंजाइम्स या कहा जब वो इन्वायरमेंट मिल जाता है, तुरंत ये क्या करना शुरू कर देते हैं, अपनी संख्या को बढ़ाना शुरू कर देते हैं, यानी कहा जाए जेनेटिक मटेरियल बनाना अपना शुरू कर देंगे, ठीक, यानी गुणन इनका शुरू हो जाता है। तो उसी को हम लोग कहते हैं रेप्लिकेशन एंड सिंथेसिस। तो यहाँ पे वायरल डीएनए या आरएनए जो होगा होस्ट सेल में न्यूक्लिक एसिड और प्रोटीन के भाग को बनाता रहता है। तो जिस तरीके से हम कार बनाते हैं साथियों, तो उसके लिए वेरियस पार्ट्स को अलग अलग सेक्शंस में बनाते हैं, इसी तरीके से ये क्या करेंगे, अपना जेनेटिक मटीरियल अलग बनाएंगे, अपना कैप्सिड अलग बनाएंगे। अगर मान लीजिए बैक्टीरियोफेज का है, तो वो हुक्स और शीट वो सब कुछ अलग अलग एक तरीके से मैन्युफैक्चरिंग होगा या बनता है, ठीक ठीक अब चलिए नेक्स्ट देखते हैं कि जैसे ही ये बन जाता है, देन होती है असेंबली। असेंबली साथियों तब होगा जब बैक्टीरिया बाहर निकलना चाहता है कोशिका से। देखिए बैक्टीरिया भी आगे हम लोग पढ़ेंगे, लिसेस एंड लिटिक साइकिल, लाइसोजेनिक साइकिल आते हैं, दो साइकिल आते हैं। तो अगर इसे तुरंत ही निकलना होगा तो क्या करेगा, असेंबली मतलब यहाँ पर जो है नेक्स्ट स्टेप जो हमारा होगा वो होगा कि इसी बैक्टीरिया के अंतर्गत ये जो है वो असेंबली करेगा, यानी अब सारे सेक्शन एक तरीके से आके जुड़ेंगे, ठीक। और देखिए पूरा का पूरा वायरस अब सेट हो रहा है एक तरीके से, ठीक। अब इस तरीके से प्रॉपरली असेंबल हो जाएगा, यानी सभी भाग बन जाने पर विषाणु खुद को असेंबल करता है। देन अगर इसे बाहर निकलना है तो तुरंत ही ये क्या करेगा, कोशिका को भेद कर देगा और कोशिका का लिसिस या कोशिका फट जाएगी, और तुरंत ही जो वायरस है इन्फेक्टिव वायरस वो बाहर निकल जाते हैं और किसी एक हेल्दी कोशिका को फिर से नुकसान पहुंचाते हैं। तो ये स्टेप जो हमारे 5 स्टेप हैं वो यही हैं कि सबसे पहला अटैचमेंट, फिर देन पेनिट्रेशन, भेदन, रेप्लिकेशन सिंथेसिस और असेंबली होना और रिलीज करना, ठीक। तो चलिए जो हमारा मल्टीप्लीकेशन इससे जो रेप्लिकेशन और सिंथेसिस है, ठीक, तो चलिए अब उसे आगे हम लोग देखते हैं। हमारा साथियों जो मेन इवेंट है वो है मल्टीप्लीकेशन एंड रेप्लिकेशन साइकिल। इसमें दो साइकिल आती है साथियों, वो है पहला लिटिक साइकिल और दूसरा है लाइसोजेनिक साइकिल। चलिए इसे एक चित्र के माध्यम से, डायग्राम के माध्यम से देख लेते हैं। ये डायग्राम मैंने एमपी कौशिक की किताब से लिया है, यानी एमपी कौशिक किताब हमारे लिए बेहद जरूरी है। मैंने साथियों आपको बताया भी था वीडियो में, अगर आप टीजीटी हमारे जाके वीडियो देख सकते हैं, टीजीटी की बायोलॉजी की कौन सी बुक्स पढ़ें, इस पर मैं फर्दर एक वीडियो बनाऊंगा। एमपी कौशिक में से मैंने लिया है और ये बेहद इंपॉर्टेंट है। चलिए देखते हैं कैसे। ये रहा हमारा लिटिक एंड लाइसोजेनिक पाथवे। देखिए लिसिस का मतलब होता है विघटन करना, ठीक, यानी टूट जाना, और लाइसोजेनिक का मतलब उसी के अंदर अपनी संख्या को बढ़ाते रहना बिना कोई नुकसान किए हुए, ठीक। तो चलिए कैसा है, पहला इवेंट साथियों वही है बिल्कुल अटैचमेंट वाला। अटैचमेंट आएगा, ठीक, देन ये क्या करेगा, अपने जेनेटिक मटेरियल को किसी भी एक बैक्टीरिया में जिसपे अटैच हुआ है वहां पे वो इंसर्ट करेगा, ठीक। अब याद रखिए कि वायरस पार्टिकल बाइंड टू द वॉल ऑफ सुटेबल होस्ट सेल, वायरल जेनेटिक मटीरियल इंटर्स इनटू द सेल ऑफ साइटोप्लाज्म, अटैचमेंट एंड पेनिट्रेशन, ठीक। अब केस आएगा टू। देखिए यहां से टू केस मतलब एक या तो वो लाइसोजेनिक पार्ट में चला जा सकता है और दूसरा शुरू होता है लिसिस वाला है। तो हम अभी लिटिक पढ़ रहे हैं तो लिटिक ही पढ़ते देखते हैं कि यहाँ पे देन वायरल डीएनए जो होगा वो क्या करेगा, बिल्कुल सिंथेसिस करना, असेंबली करना, तो सिंथेसिस करेगा, यानी यहाँ पे क्या कहा जाए कि अब सारे कंपोनेंट की सिंथेसिस या संश्लेषण करेगा, सारे कंपोनेंट बनाएगा अपने न्यूक्लिक एसिड को भी, किसको बनाएगा, न्यूक्लिक एसिड यानी डीएनए आरएनए, न्यूक्लिक अम्ल को भी बनाएगा और प्रोटीन के पार्ट को भी बनाएगा, सब कुछ बना लेगा। देन क्या करेगा, ये फिर असेंबली करेगा, यानी इकट्ठा करेगा अपनी सारी चीजों को। असेंबली करने के बाद जैसे ही ये मैच्योर एक तरीके से कहा जाए प्रॉपरली बन जाएगा, ये तुरंत ही भेदन करेगा, इसका ब्रेकडाउन हो जाएगा सेल, ठीक है, यानी कहा जाए लिसिस, लिसिस को कहते हैं ब्रेकडाउन, यहाँ पे होस्ट सेल का लिसिस हो जाएगा और तुरंत ही ये फ्री बैक जो वायरस हैं वो रिलीज आउट हो जाएंगे और फिर से एक किसी हेल्दी, ठीक, कोशिका को नुकसान पहुंचाएंगे, ठीक। तो ये तो रहा लिटिक साइकिल जो कि तुरंत ही हो जाना। मान लीजिए बैक्टीरिया वायरस जो है वो रह जाता है, जैसे एक बहुत अच्छा एग्जांपल है साथियों कि हम कहते हैं कि एचआईवी, ठीक, हो जाना, दैट मीन्स जो वायरस का प्रेजेंट होना किसी पेशेंट में, वो होने के बाद जो एड्स बीमारी है, जो बीमारी है एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम, ये जरूरी नहीं तुरंत हो जाए, ये हो सकता है करीबन 20 साल बाद, 25 साल बाद भी हो सकती है। ये कैसे है, तो जाहिर सी बात है वायरस तो पहुंचा है, अपना तो ये काम यही करेगा,
ये लिटिक साइकिल ना करके कहीं ना कहीं एक कहा जाए कि डोरमेंट पीरियड में, या कहा जाए चुपचाप से रह के अपनी सिर्फ संख्या को बढ़ा रहा, वो वाली संख्या कहलाती है हमारी लाइसोजेनिक पाथवे। तो बिल्कुल सेम तरीके से वो इंसर्ट करेगा, देन क्या होगा कि लाइसोजेनिक पाथवे में क्या होता है कि जो डीएनए यूजुअल बिकम्स इंटीग्रेटेड इनटू बैक्टीरियल क्रोमोसोम। तो ये क्या है, बैक्टीरिया के क्रोमोसोम के साथ ये चिपक जाते हैं। जैसे हम लोग बायोटेक्नोलॉजी में क्या करते हैं, क्रोमोसोम में अपने डिजायर्ड जीन को इंसर्ट कर देते हैं ना, आपने बहुत अच्छा एग्जाम्पल हो सुना होगा इंसुलिन हार्मोन का बनाने का, वो उसी तरीके से कर दिया। अब क्या है, यहाँ पे बैक्टीरिया लगातार लगातार वो क्या करेगा, डिवाइड करती रहेगी। ठीक, तो यहाँ पे है कि प्रियर टू प्रोकैरियोटिक फिजन द क्रोमोसोम एंड इंटीग्रेटेड वायरल डीएनए इज रेप्लिकेटेड, रेप्लिकेटेड देन बाइनरी फिजन होगा, एक से दो वो संख्या में बनते रहेंगे, जितना बनेंगे जितना जीनोम बनता जाएगा उतना ही वायरस का भी जीनोम बनता चला जाता है। अब मान लीजिए ये संख्या तो हो गई लाइसोजेनिक, अब इसके बाद क्या है, उसे बाहर निकलना है, एक अदर तरीके सोर्स को देखना है, या कहा जाए अदर सेल्स को इन्फेक्ट करना है, तब वहां पे फिर से जो लिटिक साइकिल ही स्टार्ट होती है। तो यहाँ पे क्या है, लाइसोजेनिक एक प्योरली एक लाइसोजेनिक ना होती है, लाइसोजेनिक प्लस लिटिक साइकिल एक तरीके से कहा जाए कंप्लीट साइकिल होती है। तो लाइसोजेनिक के बाद लिटिक साइकिल में वही है कि सारे के सारे असेंबली होंगे, असेंबली होने के बाद ये फिर क्या करेंगे, ये फंक्चर करेंगे और देन रिलीज आउट हो जाते हैं। तो साथियों दो चीज याद रखिएगा कि ये पूछा जाता है कि वायरस में और इन साइकिल पाई जाती है सिर्फ लिटिक, सिर्फ लाइसोजेनिक, ए और बी दोनों, या इनमें से कोई नहीं। तो याद रखिएगा लिटिक और लाइसोजेनिक पाथवे हो सकती है। ठीक, तो याद रखिएगा सबसे लंबी चलने वाली वो प्रक्रिया हो सकती है लाइसोजेनिक, लिटिक साइकिल शॉर्ट टर्म की होती है। ठीक, तो यहाँ पे साथियों हम लोगों ने देखा कि वायरस का जो स्टडी है, मतलब एक जनरल टर्म से लेकर किस तरीके से उसका स्ट्रक्चर, उसकी क्लासिफिकेशन, मेन क्लासिफिकेशन को लिया है, क्लासिफिकेशन के कई तरीके हैं, इनकी कई फैमिलीज क्लासेस बहुत कुछ हैं, बट उस तरीके का एक पूरा लेंथी पढ़ना कोई बेहद इंपॉर्टेंट नहीं है साथियों। ठीक है, मेन जो क्वेश्चन हैं उनको मैंने इसमें एक शॉर्ट टाइम में हमने इंक्लूड किया है कि जिससे तुरंत ही एक पढ़ाई हो सके और क्वेश्चन हम लोग मैक्सिमम कर लें। इसके बाद मैं एक वीडियो बनाऊंगा जिसमें सिर्फ वायरस के क्वेश्चन ही रहेंगे, जिसकी वजह से वायरस करीबन 2 से 3 क्वेश्चन आते हैं, जबकि मैंने देखा है 2005 टू 2013 के पेपर में उनमें 2 से 3 क्वेश्चन लगभग आते हैं, तो वो पूरे के पूरे हो जाएंगे आपके। ठीक, तो यहाँ पे साथियों हमारा मल्टीप्लीकेशन रेप्लीकेशन साइकिल के साथ वायरस का एक अध्ययन खत्म होता है। ठीक, आशा करता हूँ साथियों कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें, यानी लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिए, आपकी ये छोटी सी मदद बहुत ही इनकरेज करती है आगे के काम को करने के लिए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, जय हिंद।